الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
سارے حضرات اخلاص و محبت اور بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لمحہ لمحہ انتہائی واجب الاحترام حضرات، علماء اکرام، محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، آج کی یہ عظیم الشان اور عالی شان کانفرنس جو کہ آپ کے شہر سردونہ میں بڑی کانفرنس ہونے کے لیے منعقد کی گئی تاکہ اس کانفرنس کی تیاری ہو جائے، اور میں جب مسجد داخل ہوا تو دیکھ کر دل بڑا ہی خوش ہوا کہ جہاں علماء اپنا فریضہ سمجھ کر جمع ہوئے وہاں عوام الناس بھی جمع ہے، ننھے منے بچے بھی آئے ہیں اور باری سفید ریش بزرگ بھی تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ
अभी हमारा ईमान सलामत है, अभी मुसलमानों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर मट मिलने का, कट जाने का जज्बा अभी बाकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जज्बे को सलामत रखे, आप हजरात के इस जज्बे में अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद बरकतें अता फरमाए। हमारे बरखुदार अब्दुल रहमान ने जिस दिन मुझे फोन किया था आज के प्रोग्राम के लिए, तो साथ ही ये मोहब्बत का इजहार भी किया था कि आप पहले भी हमारे चक में आते रहते हैं, साथी बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं, तो ये कॉन्फ्रेंस आपकी है, आपने ही सारा बयान करना है। फिर मेरे पास इश्तिहार पहुंचा, उसमें भी मेरा ही नाम था, बाकी दो तीन उलमा जो है वो ढूंढने से मिल जाते थे, और कोई खास नाम नहीं था। उससे भी मैं यही समझा कि पता नहीं मगरिब पढ़ने देंगे कि नहीं, फौरन बाद स्पीकर पकड़ा देंगे, रात 12 बजे तक दुआ करा के वापस आ जाऊंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहरबानी, इंतजामिया की मेहरबानी से बिल्कुल 12 के करीब मुझे टाइम मिला। लेकिन मेरे दोस्तों, आपका तो पता नहीं, हम घबराने वालों में से नहीं। हमें जब कोई कहता है ना मगरिब के फौरन बाद टाइम मिलेगा, इशा के फौरन बाद टाइम मिलेगा, पता हमें भी होता है। कारी अनीब को कभी मिला इशा के बाद टाइम? एक बजे, डेढ़ बजे, दो बजे, तो हमें दो बजे ना सही तो हम दो घंटे पीछे कर लेते हैं कि 12 बजे टाइम मिलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोच के मुताबिक 12 से 10 मिनट पहले टाइम मिल गया। बहरहाल चाहता तो ये था कि उलमा भी तशरीफ लाए हैं तो इनको कुछ इल्मी गुफ्तगू सुनाते। अवामुन नास तो मिर्ज़ाई लानती का तारुफ तो है, लेकिन और अच्छे अंदाज में नौजवानों को तारुफ कराते हैं, और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को भी उनसे मुतारुफ कराते, ताकि ये बच्चे भी पूरा तारुफ लेके सोए और ख्वाब में भी ये उस पर लानत भेजते रहे। इतना टाइम ना बचा, मुख्तसर मुख्तसर तमाम बातें अर्ज करके इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मुझे तकरीबन 12:30 बजे जो है वो माइक छोड़ना है। कुरान मजीद की 100 आयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की दलील है। कुरान मजीद की 100 आयात और हुजूर अली सलातो व सलाम के 200 इरशादात 200 हदीसें खत्म नबूवत पे दलील वाज़े अल्फाज़ में। थोड़ा इनको कम करो इसकी तरफ से। 100 आयात 200 अहदीस हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे दलील है, फिर भी लोगों को समझाना पड़ता है कि लोगों हमारे नबी आखिरी नबी हैं। कुरान मजीद कौन के देख लो, हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितने वाज़े और बेहतरीन अल्फाज के अंदर इरशाद फरमा दिया। फरमाया मा काना मुहम्मद सारा बचना।
एक हदीस में इरशाद फरमाया, हजरत सोबान रिवायत करते हैं, हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद नबी तो कोई नहीं, अलबत्ता एक दो तीन चार नहीं बल्कि पूरे 30 कज़्ज़ाब आए हैं, 30 झूठे आए हैं। झूठी नबूवत का दावा करेंगे, झूठी रिसालत का दावा करेंगे, और लोगो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने भी अंबिया इकराम दुनिया के अंदर मकबूल फरमाए, सबको बड़ा हुस्न जमाल अता फरमाया, सबको बड़ा कद काठ अता फरमाया, सबको बड़ा वजीह जिसामत वाला बनाया, सबको बड़ा हसीनो जमील बनाया। हजरत यूसुफ का हुसन तो बेपनाह हुसन था, इसलिए हुसन यूसुफ का चर्चा हो गया, वरना हर नबी बड़ा खूबसूरत था, हर नबी बड़ा हसीनो जमील था। क्या अल्लाह एक लैट बंद वाला एक लैट कम वाला नबी दुनिया में भेज सकते हैं? ये अल्लाह की शान ही कोई नहीं कि अल्लाह का नुमाइंदा हो। मेरे पास किसी का अगर खत आए तो मैं उस खत से समझ जाता हूं कि भेजने वाला कैसा होगा। कोई किसी का नुमाइंदा आए, किसी का बेटा आए, अंदाजा लगाया जाता है कि इसका अब्बा यकीनन ये भी हसीनो जमील है, अब्बा भी बड़ा हसीनो जमील होगा। नुमाइंदे से अंदाजा लगाया जाता है भेजने वाले का। मैं कहता हूं और सारी बातें छोड़ो, इस लईन झूठे दज्जाल का झूठ यही से पकड़ा जाता है कि जिसकी अपनी लैटे पूरी कोई नहीं, ये नबूवत का दावेदार ही झूठा है। और समझदार इतना था, उलमा ने एक बात लिखी है कि तमाम अंबिया इकराम इलम वाले, तमाम हसीनो जमील, तमाम बड़ी सूझबूझ रखने वाले, हिकमत और बसीरत वाले तमाम उलमा को अल्लाह ने बड़ा जहन और हाफजा अता फरमाया था। क्यों? अल्लाह ने जो वही भेजनी है इसने जहन में महफूज रखनी है, दिलो दिमाग में महफूज रख के जुबान से लोगों को बतलानी है। और मिर्जा कादियानी अल्लाह अकबर इतना जहीन आदमी, इतना जहीन आदमी जमाना ढूंढो, चराग लेके ढूंढो, ऐसा जहीन आदमी आपको नहीं मिलेगा। खुद लिखता है अपने कलम से कि मैं इतना जहीन आदमी था, कई मरतबा मुझे याद नहीं रहता था, मैं शलवार की जगह कमीज पहन लेता था, कमीज की जगह शलवार पहन लेता था। क्या बात है जमानत की। मिर्जा कादियानी खुद लिखता है मैं इतना जहीन आदमी था, एक से गुड़ खाने का शौकीन था, गुड़ खाया करता था, एक जेब में गुड़ रखा करता था, एक जेब में असज्जा करने के लिए कच्ची मिट्टी के पट्टे रखा करता था, इतना जहीन था मुझे याद नहीं रहता था, कई मरतबा असज्जे वाले पट्टे खा लिया करता था, गुड़ से असज्जा कर लिया करता था। ना सही, देखते जाओ खुद, ये अपनी जहानत खुद लिखी है, किताबें पढ़ के देखो। कहता है मैं शेरवानी पहनता था ऊपर कमीज के ऊपर, शेरवानी के बटन कमीज में लगा देता था, कमीज के बटन शेरवानी में लगा देता था। इससे बड़ी जहानत सुनो। कहता है मुझे कई दफा याद नहीं रहता था, पगड़ी घर भूल आता था, बेगम का दुपट्टा सर पे बांध के आ जाता था, और एक जगह कहता है मुझे कई दफा याद नहीं रहता था, बेगम की सलवार सर पे बांध के आ जाता था। मुझे निहायत अफसोस इस बात का होता है कि एक आदमी तो पागल हो सकता है, तो बेचारा पागल हो गया, दीवाना हो गया, मजनू हो गया, अकल जाती रही, दीवानगी में उसने कह दिया होगा मैं नबी हूं। हैरत है उन लोगों पर जिन्होंने नबी तस्लीम किया, जिन्होंने मिर्जा कादियानी को नबी तस्लीम कर लिया कि हाँ हम तस्लीम करते हैं, हम तारीफ करते हैं कि तू नबी है। वाह, यही सारी बातें दलील हैं कि वो झूठा है। बहरहाल हुजूर अली सलातुल्लाह ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरे बाद नबी कोई नहीं, लेकिन
अब जितनी जोर लगा के मैंने पढ़ा उतनी जोर से पढ़े, एक दफा फिर पढ़ लो। कल कयामत का दिन होगा, एक आदमी के नाम अमाल जब तुलेंगे, नेकियां थोड़ी हो गई, गुनाह बढ़ गए, फरिश्ते खेंचेंगे कि जहन्नुम में डालो, उसूल यही है। अल्लाह फरमाएंगे ठहर जाओ, इसका तराजू दोबारा करो। मौला अब क्या रह गया, हिसाब तो हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक छोटा सा कागज का टुकड़ा देंगे, फरमाएंगे फरिश्तों ये कागज का टुकड़ा, इस पे इसकी एक नेकी लिखी हुई है जो इस बंदे ने 125 जंगी अबू हनीफा जामे मस्जिद में बैठ के की थी, ये नेकी कागज पे लिखी है, ये डाल के तोलो। जब वो तोली जाएगी, नेकी बढ़ जाएगी, गुनाह बहुत थोड़े रह जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे अब इसका हिसाब हो गया, इसको जन्नत का दाखला अता फरमाओ। पर इससे पूछेंगे मौला ये क्या था, अल्लाह फरमाएंगे इसमें लिखा है जो इसने मोहब्बत से पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खत्मे नबूवत की दलील है। उलमा इकराम ने लिखा है कि आज से पहले यानी हुजूर अली सलातो व सलाम से पहले तमाम अंबिया इकराम का जो कलमा था, सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा हमारा कोई खालिक और मालिक नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये तो इसका है लफ्जी तर्जमा, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम जाएंगे मफहूम की तरफ तो ये मफहूम पूरा कोई नहीं। मफहूम ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानना जरूरी है। अल्लाह को यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन साथ कहते हैं अल्लाह भी है, उजैर भी है, अल्लाह भी है, ईसा भी है, अल्लाह भी है, ईसा की अम्मा मरियम भी है। ये जो भी है, जब तक इसको खत्म नहीं करेंगे, याद रखना ईमान कामिल नहीं होगा। ईमान मुकम्मल होगा जब ये कहें कि अल्लाह ही है, उसके सिवा और कोई नहीं हमारा खालिक।
यानी एक की तरफ इशारा करके हुजूर ने सहाबा की तरफ इशारा किया कि अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता तो ये सोने चेहरे वाला अबू बकर सिद्दीक नबी बनता, उमर फारूक नबी बनता, जिन्नू रैन नबी बनता, अली मुर्तजा शेरे खुदा नबी बन गया था। अगर लव खाना बाली अगर आना होता तो ऐसे ऐसे सोने चेहरों वाले जहीर حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے جس دن یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا میں نے اس دن سے سوچنا شروع تو کیا لیکن حضور سے سوال کی جرأت نہ ہو سکی کہ سوال کروں آتا ہے یہ کیا ارشاد فرما دیا عمر اتنا سخت آدمی ایسے سخت نبی فرماتے ہیں حضور کا زمانہ گزر گیا سوال کرنے کی جرأت نہ ہو سکی حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آ گیا وہ 2.5 سال بھی گزر گئے ان سے بھی سوال کرنے کی جرأت نہ ہوئی حضرت عمر فاروق کا زمانہ آ گیا سوال کی جرأت ان سے بھی نہیں ہو رہی لیکن عجیب واقعہ بیان فرماتے ہیں ایک رات کو میں سویا میں نے خواب دیکھا خواب میں دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی سے اذان آ رہی ہے فجر کے لیے کہ مسجد نے اذان کہہ دی یہ خواب کا واقعہ ہے فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے اٹھا میں نے وضو کیا خواب میں ہی دوڑ کر مسجد نبوی میں پہنچ گیا وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر کھڑے ہیں صحابہ نے صفیں بنا لی ہے میں نے مجھے پچھلی صف میں جگہ ملی میں نے وہی پچھلی صف میں ہی کھڑا ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ امیر المومنین عمر فاروق مصلی پر ہے
अगली। हुजूर अली सलातु वसलाम ने पहली रकात में जो आयात जो सूरत तिलावत फरमाई थी, हजरत उमर ने भी वही तिलावत फरमाई। दूसरी रकात में हुजूर ने जो सूरत तिलावत फरमाई, हजरत उमर ने भी वही तिलावत फरमाई। नमाज मुकम्मल हुई, सलाम फेर कर हजरत उमर सहाबा की तरफ मुंह करके बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी, एक बच्ची आई, सब पे खजूरे हैं ला करके पेश कर दी। ऐ अमीर मोमिनीन, कबूल फरमा लीजिए, मेरी अम्मा ने ये हदिया भेजा है। अल्लाह अकबर, फरमाते मैं देख रहा हूं कोई नक्शा कायम हो रहा है। हजरत उमर ने उठा उठा के सहाबा को एक एक देना शुरू कर दी। इसी दौरान सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने ऐलान कर दिया, अईना अली इब्ने अबी तालिब। फरमाते हैं निकलने को तो चीख हो गई थी, लेकिन मैं खड़ा हुआ और मैंने वही से सदा बुलंद कर दी, लबैक व सादैक। अमीर मोमिनीन इरशाद फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है। उन्होंने फरमाया आ जाओ अली मेरे पास आ जाओ। करीब आ गए, ला करके बिठा दिया। हजरत उमर ने फरमाया अली खजूरे खाओगे? अर्ज की क्यों नहीं खाऊंगा। हजरत उमर ने अपने दस्ते मुबारक से उठाकर हजरत अली के मुंह के अंदर दे दी। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से वो खजूर का दाना खाया। थोड़ी देर गुजरी, हजरत उमर ने सवाल कर दिया, ऐ अली बतलाओ खजूरे कैसी थी? फरमाने लगे बड़ी मीठी थी, बड़ी तरोताजा थी, सबसे बढ़कर ये अमीर मोमिनीन के हाथों से मिल गई, मुझे बड़ा मजा आ गया। फरमाया और खाओगे? कहा क्यों नहीं, अमीर मोमिनीन आपके हाथों से मिल रही हैं, जितनी खिलाओगे खा जाऊंगा। एक दाना और खिला दिया, इन्होंने खा लिया। अब हजरत अली मुंतजर हैं कि एक दाना और खिलाया जाएगा, लेकिन हजरत उमर उधर तवज्जो ही नहीं कर रहे और सहाबा की तरफ मुतवज्जे हैं। थोड़ी देर तो बर्दाश्त किया, बिना फिर जब बर्दाश्त ना हुआ, हजरत अली ने क्या दिया, ऐ अमीर मोमिनीन और खिलाओ ना, और क्यों नहीं खिलाते। हजरत उमर ने हजरत अली के चेहरे को बड़े गौर से देखा और इरशाद फरमाया, ऐ अली, अगर हुजूर ने ख्वाब में तुझे तीसरा दाना खिलाया है तो बतला मैं भी खिलाऊंगा, अगर हुजूर ने नहीं खिलाया तो मैं भी नहीं खिलाऊंगा। हजरत अली उसी वक्त खड़े हुए और सलाम बुलंद कर दी। लोगों, एक अरसे से जो बात समझ नहीं आई थी आज समझ में आ गई। वाकई उमर में इस्तेदाद मौजूद है, ऐसी सलाहियत मौजूद है जो हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। वाकई अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता तो उमर होता, मिर्जा कादियानी ना होता। मेरे दोस्तों, अजीज नौजवानों, आप लोगों की खुश नसीबी है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये उलमा गुलदस्ते की सूरत में पूरे शहर पूरे जिले के अंदर ऐसे अता फरमाए कि ये डटे हुए हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, टाइम की जान की माल की कुर्बानी देकर खत्मे नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए खड़े हैं। और इसी पहरादारी में कितने लोग अपनी जानें दे चुके हैं। आपके पास ऐसे लोग मुयस्सर हैं, सिर्फ अपने दिलों के अंदर इसके रसूल की चटकारी जलाओ। इंशाल्लाह जैसे हजरत हजारवी साहब तफसील से आपको सुना गए कि इंशाल्लाह इस मिशन में अगर खड़े होंगे तो इंशाल्लाह जन्नत हमारा मुकद्दर बन जाएगा। अपने दिलों में मोहब्बत जगाओ, इसके रसूल जगाओ। जब तक मोहब्बत ना हो, मोहब्बत ना हो तो एक घंटा भी कुर्बान करना बड़ा मुश्किल होगा। यकीनन कितने लोग होंगे जो आज की इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, मुझे नींद है, मैंने जाना है, मैंने ये करना है वो करना है, सोए होंगे, मसरूफ होंगे, यहां नहीं पहुंचे। जो आए हैं यही खुश नसीब है। और जिनकी खुश नसीबी है, कुछ को जानता हूं कुछ को नहीं, बड़ी दूर दूर से शहर सरगोधा से भी हजरात बेशुमार मजमे में आए बैठे हैं। उलमा के अलावा बात मैं कर रहा हूं, बेशुमार लोग जिनको मैं जानता हूं इतनी दूर से आए बैठे हैं। ये 20-25 किलोमीटर का सफर करना, इंशाल्लाह ये 25 किलोमीटर सफर इन्होंने शहर से 25
अपने दिलों में मोहब्बत जगाओ, और जहां जहां उलमा आवाज लगाए अपनी तरतीबें सेट करो, पूरी तौर पे वहां पहुंच जाओ, जिंदा दिली का सबूत दो, इसके रसूल और मोहब्बत के रसूल का सबूत दो। और अल्लाह मुसलमान जितना भी कमजोर हो जहां इमामुल अंबिया की मोहब्बत की बात आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फ्रेंस हुई ना इकबाल पार्क, लियाकत पार्क, लियाकत बाग, सॉरी, तो वही का एक पुराना वाकया है, वो सुना के बात खत्म करता हूं। हजरत तशरीफ फरमा है, टाइम भी काफी हो चुका। एक गरीब मुसलमान फकीर कासा लिए, बर्तन लिए, वहां लियाकत बाग में खड़ा था। लोग सैर करने आते थे, तो इसी दौरान एक पादरी आया, पादरी ईसाइयों का, उस पार्क के अंदर, बाग के अंदर वॉक करने, सैर करने। अब फकीर तो फकीर होता है, फकीर ने सबके सामने अपना जो है कटोरा कर देना होता है, उसने पादरी के आगे भी कर दिया कि अल्लाह के नाम पे कुछ डालते जाओ। उसने नहीं डाला, चला गया। सैर करते करते जब घूम कर दोबारा वहां चक्कर लगा, इसने फिर कह दिया अल्लाह के नाम पे सखी बाबा कुछ तो डाल जा। उसने तवज्जो ही नहीं की, फिर चला गया। फिर आया, इसने फिर कटोरा आगे बढ़ाया। जब कई सारे चक्कर लगे, जब इसने सवाल किया तो वो इसके पास रुका, लेकिन इसका सवाल बड़ा अजीब था, उस सवाल ने इसके कदम रोके। सवाल क्या था? ये जो फकीर लोग होते हैं, इनके पास बड़े गुण होते हैं, अल्लाह के नाम पे ना दो तो ये मोहम्मद के नाम पे मांगते हैं, उस नाम पे ना दो तो मदीने वाली सरकार, वहां ना दो तो फिर वो करबला ले जाते हैं, वहां भी ना मिले इनके पास काफी लंबी फहरिस्त होती है, बिलाकर ये लेके जाते हैं। तो कई चक्करों में जब अल्लाह के नाम पे ना मिला तो उसने कहा कि यीशु मसीह के नाम पे दे दो, पता सना ईसाई है, अपने नबी के नाम पे दे दो। जब ये सवाल हुआ तो उसको कदम रुक गए। उसने कहा अच्छा अब मुझे जज्बाती कर रहे हो, मेरे नबी का नाम लेकर सुबह से तुम खड़े हो, सारा दिन हो गया तुम्हें मांगते हुए, थोड़े से पैसे तेरे पास हैं, लेकिन तेरी आज की जमा पूंजी है, अगर यही जुमला मैं बोलूं कि तू अपने नबी के नाम पर ये मुझे दिन भर की कमाई दे दे, क्या तू दे देगा? चोट तो उसने भी बड़ी जबरदस्त लगाई। ये फकीर कहने लगा, इसने अपना कासा अपना बर्तन नीचे रख दिया, इस जेब में जो कुछ था वो भी निकाल कर उसमें डाल दिया, इस जेब में जो कुछ था वो भी उसमें डाल दिया, जहां जहां जो कुछ था निकाल कर उसमें डाल कर उसने वो कटोरा उस ईसाई की तरह बना दिया, और कहने लगा गरीब हूं कमजोर हूं मेरे पल्ले सरमाया तो कोई नहीं, ये दिन भर की कमाई मैं देने को तुझे तैयार हूं, घर कुर्बान कर दिया। और तुम्हें क्या बताऊं, तमाम
हुजूर ने फरमाया अबू बकर कुछ छोड़ के आए हो पीछे? कहा हाँ। क्या अल्लाह और उसके रसूल का नाम घर में छोड़ के आया हूं? बाकी मैंने एक सुई भी नहीं छोड़ी। घर की दीवार पे सुई भी न छोड़ी तूने, घर की दीवार पे सुई भी न छोड़ी तूने, इसी सरकार में घर बार लुटाने वाले कैसे समझेंगे तेरी शान जमाने जाएंगे 30 को कॉन्फ्रेंस में। इतना जोर लगाने के बाद बुजुर्गों ने हाथ खड़ा किया। बुजुर्ग कह रहे हैं कि चलो घर में क्या करना है, वहीं जाके जन्नत तो कमाए। नौजवानों जन्नत में जब जाओगे इस 25 चक की दुनिया को भूल जाओगे, सरगोना पाकिस्तान और इस दुनिया की तमाम रंगीनियों को भूल जाओगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हिफाजत फरमाएंगे, वहां कोई हंगामा नहीं होने लगा। अगर डर लग रहा हो वहां कोई हंगामा नहीं होने लगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे, अगर हो गया किसी की उंगली शहीद हो भी गई तो इंशाल्लाह ये उंगली तो जन्नत में जाएगी। तो मेरी भी यही तमन्ना और ख्वाहिश है कि 30 तारीख को इस चक के मर्द अपने घर में ना हो, वही हो। जाएंगे सारे? सारों के हाथ तो खड़े नहीं हुए। मैं भी कर रहा हूं, मैंने यहां होना ही कोई नहीं, मैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं हाथ खड़ा। हाथ तो खड़ा करो भाई, नीयत तो करो। मोमिन की नीयत उसके अमल से अफजल है, बड़ी है। इरादा हमने करना है। गाजी इल्मुद्दीन को चंद रोज पहले पता था कि मैंने कितना बड़ा काम करना है। मुमताज कादरी को चंद लम्हे पहले पता था मैंने कितना बड़ा काम करना है, लेकिन उनके दिल में बस एक जज्बा था, वो चिंगारी जो मौजूद थी उसको बस शोला मिला। अल्लाह ने उनको दुनिया में ही जन्नत के नजारे भरे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन पर इस्तकामत नसीब फरमाए। खत्मे नबूवत की तहफ्फुज के अंदर ही अल्लाह हमें जिंदा रहने की और इसी हाल में अल्लाह हमें मरने की तौफीक अता फरमाए। टाइम नहीं रहा, इरादा था बड़ी तफसील से गुफ्तगू करने का। नौजवान जो है वो कुछ मुझे अभी भी इशारा कर रहे थे और पहले भी जब मैंने कहा टाइम थोड़ा है उस वक्त भी इशारे किए भी थोड़ा सा बढ़ा लेना, तो मैंने 10-15 मिनट जो है वो खींच खूंच के बढ़ा लिए। बहरहाल तहफ्फुज़ ख़त्मे नबूवत के लिए थोड़ी सी भी अगर कोशिश करोगे तो वाकयात शाहिद हैं। मैं अभी जब यहाँ मस्जिद में आने से पहले मेहमान खाने में था तो हजरत तूफानी साहब जो है तशरीफ फरमाते तो गुफ्तगू हालवाल हो रहा था, तो वही एक मोहब्बत भरा एक सलाम भी हुआ। यानी मिल के बैठ जाने के बाद हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की जब बात हुई तो मैंने अर्ज की कि मेरे अब्बा जी भी उनके मुरीद थे, मैं भी उनका मुरीद थी। तो हजरत ने दोबारा हाथ बढ़ा के हाथ मिलाया कि आप तो मेरे पीर भाई हो।
तो फिर मुझे कहने लगे कि आप जो है मुसाफिर भी हो और कई बातें करेंगे। फरमाने लगे कि मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह खात्मा बिल खैर करवाए। तो अब मैंने तो क्या दुआ करनी थी उनके लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत पक्की है 93 साल उम्र, और जिसमें से जिंदगी का अक्सर हिस्सा दीन के लिए उन्होंने उनका लगा है। लेकिन मैंने उनसे एक बात कर दी, मैंने कहा हजरत कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, तकरीबन एक दर्जन के करीब उलमा इकराम ने अपना तजर्बा लिखा है कि कोई एक दिन के लिए भी नामूस रिसालत के तहफ्फुज के लिए अगर खड़ा हो जाए, अल्लाह उस आदमी को कलमे और ईमान वाली मौत नसीब फरमाते हैं। ऐन मुमकिन है ये एक दिन की कॉन्फ्रेंस ही हमारे लिए ईमान की मौत और कलमे की मौत का जो है वो जरिया बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन के लिए तहफ्फुज़ नमूस रिसालत के लिए अपना जान माल सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा सुना और तमाम हज़रात तशरीफ लाए, अल्लाह इस सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।